प्राचीन तहसील भवन को पीडब्ल्यूडी विभाग ने 2012 में ही कंडम घोषित करने का पत्र जारी कर दिया था। इसके बावजूद भी प्रशासन ने तहसील कार्यालय को दूसरे जगह शिफ्ट नहीं किया। 8 मई को हादसा होने के बाद भी प्रशासन नहीं चेत रहा। प्राचीन तहसील भवन के कार्यालय में जहां पर तहसील कोर्ट भी लगती है, उसी कार्यालय में 8 मई को तहसीलदार उमेश चंद्र शर्मा, नायब तहसीलदार लाल चंद्र वर्मा और तहसील बाबू के साथ प्रातः 10 बजे चर्चा कर रहे थे कि कार्यालय की छत में लगी लकड़ी की गाटर, जिन्हें देहाती भाषा में सोट कहा जाता है, अचानक गिर गई थी। गाटर गिरने से उनमें लगा पंखा तहसीलदार उमेश चंद शर्मा के सिर में आकर लगा था, जिससे वह घायल हो गए थे। उसके बाद एसडीएम नीतू करोल ने कार्यालय का निरीक्षण कर पीडब्ल्यूडी विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक अभियंता द्वारा भवन को अनुपयोगी करार दिया। एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के साथ जिला कलेक्टर को पत्र भेज अवगत कराया। जिला कलेक्टर द्वारा जिले की सभी तहसीलों सहित सरकारी कार्यालयों के भवन की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी और रामगढ़ तहसील कार्यालय को अन्यत्र चलाने के लिए कहा। घटना को आज 8 दिन हो चुके हैं, इसके बावजूद भी तहसील भवन के सभी कार्यालय यथावत चल रहे हैं, जिससे कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को हमेशा भय बना रहता है कि कहीं कोई बड़ी घटना ना घट जाए। तहसील के कर्मचारी अपने दफ्तरों में बैठने से भी डर रहे हैं। 8 मई को हुई घटना से सभी कर्मचारियों में भय बना हुआ है। एसडीएम नीतू करोल ने तहसील भवन को अनुपयोगी घोषित करने के बाद बहादुरपुर रोड स्थित बीसीएमओ कार्यालय के लिए बनाई गई नई बिल्डिंग में तहसील कार्यालय को शिफ्ट करने के लिए जिला कलेक्टर को प्रपोजल बनाकर भेजा है, लेकिन अभी तक भी तहसील कार्यालय को किसी दूसरे भवन में शिफ्ट नहीं किया गया। एलटीसी ललित वर्मा ने बताया कि तहसीलदार के कार्यालय में हुई घटना के बाद सभी अधिकारी कर्मचारियों में भय का माहौल है। सभी कमरों की हालत तहसीलदार के कार्यालय जैसे ही है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन घटना को 8-10 दिन के करीब होने जा रहे हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों ने बिल्डिंग को कंडम होने के बावजूद भी दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया। यह सफल आयोजन नाहटा फाउंडेशन एवं रोटरी शक्ति विभाड़ी के समर्पण और सहयोग का परिणाम था। जब से यह घटना घटित हुई है तब से सभी कर्मचारियों में भी डर का माहौल बना हुआ है। मैं भी उस समय वहीं पर मौजूद था। ये बिल्डिंग पूरी जर्जर घोषित हो चुकी है, फिर भी यहाँ पर काम करने में हमें डर महसूस हो रहा है। हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बिल्डिंग को शिफ्ट कराया जाए दूसरी जगह पर। वैकल्पिक व्यवस्था करवाकर नई जगह पर तहसील को संचालित किया जाए।